नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना महामारी में जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू के दौरान ढाबे रेस्टोरेंट खोलने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। जहां इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 ढाबे पर कार्रवाई करते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर ढाबे के संचालकों का प्रकरण दर्ज करा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान इंदौर शहर में चप्पे चप्पे पर लगी पुलिस लोगों से जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करवाने में जुटी हुई है और कर्फ्यू तोड़ने वालों को सख्त हिदायत के साथ सजा दी जा रही है। तो वहीं शहर से बाहरी क्षेत्र के तेजाजी नगर थाना इलाके में ढाबा रेस्टोरेंट खोलकर बैठे दुकानदार लोगों की भीड़ लगाकर ढाबा संचालित कर रहे थे। जहां मुखबिर से मिली सूचना के बाद तेजाजी नगर पुलिस ने दबिश देकर 4 ढाबा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की। एडिशनल SP शशिकांत कनकने ने बताया है कि सूचना के बाद ढाबों पर पहुंची पुलिस ने देखा कि हर ढाबे पर 30 से 40 लोग मौजूद थे, जहां कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ढाबा संचालकों पर पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है। वर्तमान में जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से किसी भी ढाबे पर ना तो वहाँ पर कोई खाना खिला सकते हैं ना उनको बिठा सकते हैं। कल थाना तेजाजी नगर द्वारा शाम को जब अपने एरिया में भ्रमण किया जा रहा था, तब उसी दौरान सूचना मिली कि 2-3 ढाबे पर कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। थाना प्रभारी तेजाजी नगर द्वारा मौके पर पहुंचकर 4 ढाबा संचालकों पर दबिश दी गई, जहां पर लगभग 30 से 35 लोग खाना खा रहे थे। उन सभी को 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ऐसे ढाबा संचालक जो 4 ढाबा संचालक थे, इनके विरुद्ध 188 कार्रवाई की गई है और आगे उनको हिदायत दी गई कि इस प्रकार और यदि कोई गलती करेंगे तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।